हेलो दोस्तों, माया का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ, खाली कार्डबोर्ड से हम लोग ऑर्गेनाइज्ड बॉक्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया है, ये पुराना पर्दा का कपड़ा है, जिसे मैंने बीच में से लंबाई के साइड से कट करके सिल दिया, ताकि मुझे ये कपड़ा पूरी तरह इसकी लेंथ मेरे बॉक्स के ऊपर फिट बैठ जाए। और एक कॉर्नर से मैं इसे लपेटूंगी ग्लू की मदद से। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे सामान पड़े हुए होते हैं, जिसे हम इधर उधर रख देते हैं और जब हम ढूंढते हैं तो मिलते ही नहीं हैं, खासकर जब बड़ी फैमिली साथ में हो तो तब। देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से चिपका रही हूँ, प्रेस करके दोनों हाथों से आगे और पीछे की साइड। अगर आपके पास पूरा कपड़ा नहीं है तो आप छोटे छोटे चार पीस जो कपड़े होते हैं, चारों साइड से छोटे छोटे करके भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास ऑप्शन था तो इसलिए मैं पूरा इसे चिपका रही हूँ। जो ये बॉक्स होते हैं, ये बहुत यूजफुल होते हैं दोस्तों। मैंने पिछले साल भी 3-4 बॉक्सेस बनाई हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं किचन के लिए भी, बेडरूम के लिए भी। देखिए, मैंने इसको प्रेस करते हुए फैब्रिक कॉल की मदद से पूरी तरह से लगा दिया है। अब मैं इसके नीचे की साइड को, जो मैंने 1 इंच या 1.5 इंच रखा था, उसे भी फिक्स कर रही हूँ। हमारे घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं, टी शर्ट होते हैं, शर्ट होते हैं, चुन्नी होती है, तो आप किसी भी कपड़े से इस तरह के बॉक्सेस बना सकती हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मैं ग्लू की मदद से, देखिए, ये पूरी तरह से इसे नीचे से भी फिक्स कर दूंगी। ये बॉक्सेस बहुत यूजफुल होते हैं बच्चे के टॉयज़ के लिए, जूता चप्पल के लिए और भी कई सामान के लिए। देखिए, उसके बाद मैंने क्या किया है, एक वाइट कपड़ा लिया है जो लकीली मेरे पास था, लेकिन ये भी पुराना ही है। इसे भी मैंने बीच में से कट किया है ताकि इसकी लेंथ मुझे मिल जाए, और इसके साइड में मैंने एक डबल करके सील दिया था ताकि उसका डिज़ाइन इसके ऊपर आ जाए, और उसे मैं आगे की तरफ रख रही हूँ इस तरह से। और इसे भी मैं अंदर पूरी तरह से फिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैंने ये बोर्ड, जो ऊपर का बॉक्स का ऊपर का हिस्सा होता है, उसे लेकर अच्छी तरह से टेप करके फिक्स किया था, जोड़ दिया था। अब उसे मैं इसी पर्दे का टुकड़ा लगाते हुए नीचे वाले हिस्से को फिक्स कर दूंगी। मेरे पास ये बोर्ड है, इसे मैं साइज़ में चेक किया तो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, पर कोई बात नहीं, इसे भी मैंने कपड़ा लपेटते हुए इसके बैक साइड में लगा दिया है ताकि इसे मजबूती मिल जाए बॉक्स को। अगेन मैं एक रस्सी ले रही हूँ और बॉक्स के दोनों साइड से मैं हॉल करते हुए, किसी आप अगर करना चाहें तो बड़ी सावधानी से करिए, मैंने कैंची की मदद से कर लिया था, और एक साइड गांठ लगाते हुए दूसरी साइड को रस्सी को अंदर डाल के फिर इसके बाद इसमें एक नोट लगा देनी है ताकि ये दोनों साइड से फिक्स हो जाए और ना निकले। और ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया है। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ एक और बॉक्स, इसे भी हम तैयार करेंगे। इसे हम तैयार करेंगे जूट की रस्सी से, और ग्लू की मदद से इसके चारों तरफ से मैं जूट
लपेटती चली जाऊंगी। शुरू वाला जो लाइन होता है उसमें थोड़ा सा हमें वेट करना होता है कि जब तक रस्सी चिपके ना, और उसके बाद ये बहुत इजी है। आपको हर बार ग्लू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये देखिए, एक हाथ से लपेटते जाइए, एक हाथ से बॉक्स को पलटते जाइए। ये मेरा पूरा हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ लेस। ये लेस काफ़ी पुराना है, शायद मेरे क्विल्ट के कवर का था तो मैंने निकाल के रख दिया था। मेरा कवर ख़राब हो गया था। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको 2-3 बार लपेट दिया है। एक सुंदर सा डिज़ाइन भी इसमें उभर कर आ गया है, और ऊपर का जितना भी हिस्सा खाली था वो पूरा छुप गया है। उसके बाद मैं एक पुराना कपड़ा ले रही हूँ, और कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस किए हैं मैंने 5 बॉक्स के साइज़ के। इस कार्डबोर्ड के पीस को मैं कपड़े के ऊपर रख रही हूँ और इस तरह से काट रही हूँ कि 1.5 से 2 इंच मेरे चारों तरफ जो कोने हैं उसमें लपेटने के लिए मुझे मिल जाए। और हमें सारे कार्डबोर्ड के पीसेस इसी तरह कट करने हैं और फिर उनको ग्लू की मदद से चिपका देना है। इस तरह से ये देखिए मैंने ये कंप्लीट किया है। ऐसे ही मैं 5 पीस कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए ग्लू की मदद से इसको भी चिपका देंगे, और कोई भारी चीज़ से इसे दबा दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, या इस तरह का कुछ जो हम कपड़े सुखाते हैं वो क्लिप होती है उसे हम लगा देंगे। इससे बहुत इजीली ये चिपक जाता है। मैं इसको बेडरूम के लिए बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके साइड्स को कवर कर दिया। अब नीचे की साइड भी मैं जूट के रोप से पूरी तरह कंप्लीट कर दूँगी। मैं ये बना रही हूँ अपने वारंटी कार्ड के लिए। हम लोग कुछ यूज़ करते हैं, वारंटी कार्ड इर्द गिर्द दिखती है लेकिन जब वो ख़त्म, उसकी मतलब वो ख़राब हो जाता है और वारंटी कार्ड ढूंढो तो फिर गायब। तो इसीलिए मैं वो बॉक्स बना रही हूँ। तीसरा मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह का बॉक्स, और इसे मैंने कट किया है कुछ इस तरह से। इसे मैं फाइल डायरी रखने के लिए बना रही हूँ, और इसको टेप से पूरी तरह से मैं फिक्स कर दूंगी जहाँ से मुझे लगेगा कि ये लूज है। मैंने ये गिफ्ट पैक रैप एक लिया है। ये पेपर मुझे 20 रुपये का पड़ा था, पिछले साल मैंने ये लिया था। सुंदर था, है ये काफ़ी। तो देखिए मैं इसको कैसे कट करूँगी। मुझे इस साइड को, जो इसकी एक साइड कॉर्नर है, वहाँ तक मैं इसको लेके आ रही हूँ पेपर को, और फिर मैं 1.5 इंच नाप करके इसको कट कर दूँगी इस तरह से। यहाँ से भी ये चिपक जाए और यहाँ से भी ये मेरा पेपर बच जाए, ताकि बाद में दूसरी तरफ से मैं इसको चिपका सकूं। इसको मैं बस यहीं तक कट कर रही हूं, क्योंकि बाकी कट हम लोग बाद में करेंगे। लॉकडाउन है तो हमें ये पेपर अभी कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए जो है उसी से हमें काम चलाना है। अब जब समझ में आ गया कि हाँ इतना ही ये लगेगा तो मैं इसे कट कर रही हूँ। हमें लॉकडाउन ने पता नहीं क्या क्या सिखा दिया है ना।
चलो अब सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और उसके बाद जो इसका टर्न है, जहाँ पर इसके मोड़ आ रहे हैं, वहाँ पर हमें कट करना है पेपर को, ताकि हमको नीचे से नीचे मोड़ने के लिए सुविधा हो जाए। अब देखिए, अब मैंने ये वाला हिस्सा उठाया है और मैं इसे भी चिपका दूँगी। नीचे की साइड 1 इंच काफ़ी है, मैंने भी वही 1 इंच के करीब रखा है, ताकि हमारा पेपर बच जाए और बाद में हमको दिक्कत ना हो। ये बनने के बाद बहुत यूज़ आने वाला है मेरे भी और आप लोगों के भी। इसको ज़रूर ट्राई करिए, अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर आप रखिए, अपने हस्बैंड के टेबल पर रखिए, आप खुद यूज करिए। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ से मोड़ के इस तरह से चिपका देंगे। ये रेडी है, देखिए। अभी रेडी नहीं है, मतलब हमारा कागज़ का चिपकाने वाला काम पूरा। उसके बाद मैं ले रही हूँ शादी के कार्ड्स, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, तो ये भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये इसका पेपर आप लोगों को मालूम है, काफ़ी मोटा होता है, थिन है बाकी पेपर से, तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। ये इसके मैं नीचे की साइड के लिए बना रही हूँ। आप एक बार जब इसे कट करें तो इसके अंदर डाल के फिक कर लीजिए, ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो। और उसके बाद मैं साइड के पेपर साइड के अंदर से अंदर वाले हिस्से को इसी तरह से फिक्स कर दूंगी। ये काफ़ी थिन होता है, मैंने पहले भी कई बार इसे यूज किया है अपने क्राफ्ट में, मजबूती होती है इनमें काफ़ी। उसके बाद मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कार्डबोर्ड के पीसेस ही कट करने हैं, और उसके बाहर से मैं ये शादी के पेपर को चिपका दूंगी। अगर आप ये बना रहे हैं तो आप ट्राई करिए, और जैसे जो जो ये कार्डबोर्ड मैंने कट किया है, इसको आप 1.5 से 2 इंच छोटा करिए, जो बॉक्स है, ताकि जब हम उसमें इन कार्ड को लगाएं तो वो ठीक से बैठे, अदरवाइज़ वो बहुत मोटा है तो वो चिपक भी नहीं रहा है। मैंने तो पूरी साइड में इसको पिन लगाया हुआ है स्टेपलर से। अब ग्लू की मदद से देखिए, मैं इस तरह से इसको फिक्स कर दूंगी। ये देखिए, मेरे ये चारों कोनों हो गए और ये पांचवा। ये देखिए, मैंने एक और बनाया है। ये देखिए, मेरा बॉक्स रेडी है। और ये दूसरा, इसे मैं रखूँगी अपने बेडरूम में। अभी मैं यहीं रख देती हूँ। देखिए, मैंने पिछले साल कुछ बॉक्सेस बनाए थे, वो अभी तक चल रहे हैं। और इसमें मैं रखती हूँ डस्टिंग से रिलेटिव, डस्टिंग में यूज होने वाले सामान, ताकि सब लोगों को आसानी से मिल जाए। और ये बॉक्स मैंने रखा है किचन में ही, इसे मैं रखती हूँ मैगी सूप वगैरह, ताकि मेरे बच्चों को भूख लगे तो वो आसानी से उसे ले सकें। और मैंने एक बॉक्स बनाया था जिसमें डस्टिंग क्लॉथ वगैरह रखती हूँ। किचन में मुझे बहुत सारे क्लॉथ चाहिए होते हैं, तो मैं इसमें रखती हूँ, और उसके ऊपर एग का ट्रे रख देती हूँ, यानी कि तीनों बॉक्सेस मेरे एक साथ आ जाते हैं। और ये देखिए बॉक्स।